लेटविया आ जाते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती, क्या रीजन रहते हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिल पाती? और फ्रेंड्स, जो अगला रीजन होता है जॉब ना मिलने का, वो होता है इसलिए आप कुछ कंपनीज के अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग लेटविया आ जाते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती है, जॉब की काफी प्रॉब्लम रहती है। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन रहते हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, और फिर बात करेंगे कि क्या क्या वो चीजें कर सकते हैं ताकि उन्हें जो है जॉब मिल जाए। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लेटविया आने के बाद आपको बनाना होता है अपना टेम्पररी रेजिडेंस परमिट, बिकॉज जब तक आपका टेम्पररी रेजिडेंस परमिट नहीं बनेगा तब तक आप जॉब नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि कुछ लोग जो है लेट अप्लाई करते हैं, लेट अप्लाई की वजह से क्या होता है, जो पहले स्टूडेंट्स आए होते हैं उनका TRC कार्ड जल्दी आ जाता है, जैसे हम टेम्पररी रेजिडेंस परमिट बोलते हैं, उनका वो कार्ड जल्दी आ जाता है और वो जल्दी अप्लाई कर देते हैं। तो जब तक आप लेट अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से वो होती हैं वो आपको मिल नहीं पाती हैं। तो एक ये रीज़न रहता है, और इस पर मैंने एक डिटेल में भी वीडियो बनाई है कि अगर आप लेट आते हैं लेटविया में तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आई बटन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगला रीज़न होता है जॉब ना मिलने का, वो होता है डिपेंडेंसी। उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी लोग आते हैं वो अपने फ्रेंड पे डिपेंड हो जाते हैं कि उनका फ्रेंड जो है उन्हें जॉब लगवाएगा। तो ये डिपेंडेंसी, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे डिपेंड ना रहें किसी पे, खुद से जॉब पे ट्राई करें, क्योंकि अगर आप ऐसे डिपेंड रहेंगे तो आप जॉब के लिए ऐसे सर्च ही करते रह जाएंगे, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो डिपेंडेंसी हटाएं और खुद से ट्राई करें जॉब का। तो फ्रेंड्स, अगला रीज़न है जॉब ना मिलने का, वो ये है कि मोस्टली जो परसेंटेज लोग हैं वो ट्राई करते हैं जॉब को सिर्फ सिटी सेंटर में। तो मैं यही कहूँगा कि आप सिटी सेंटर में तो करें जॉब का ट्राई, बट सिटी सेंटर से थोड़ा बाहर भी ट्राई करें, बिकॉज क्या होता है कि सिटी सेंटर में सभी ट्राई कर रहे होते हैं। नो डाउट जॉब के ऑप्शन सिटी सेंटर में ज़्यादा होते हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, बट उसी हिसाब से वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है। एक ये भी रीज़न रहता है कि जॉब जो है ना मिलने का, क्योंकि सारे ही वहाँ पे ट्राई कर रहे होते हैं। तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप थोड़ा सिटी सेंटर से बाहर भी ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगला जो रीज़न है जॉब ना मिलने का, वो ये रहता है कि लोग ट्राई ही नहीं करते। लोग अगर ट्राई भी करते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, दो जगह तीन जगह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या रिजेक्शन आ जाता है, तो वो ट्राई नहीं करते। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो सराउंडिंग होती है, आपके फ्रेंड भी बोलते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो जिसकी वजह से आप अपने शेल में चले जाते हैं और आप जॉब को ट्राई ही नहीं करते। तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके ट्राई करें। एक जगह से रिजेक्शन आएगी, दो जगह से आएगी, बट आप ट्राई करते रहें, कहीं ना कहीं से आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। मेन चीज़ है कि आपको ट्राई करते रहना है। तो फ्रेंड्स, अगला रीज़न है जॉब ना मिलने का, वो ये रहता है कि काफ़ी लोग जो है कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी पड़ती है, तो इसमें तो जॉब की ही नहीं जा सकती। तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप ट्राई करें। आई नो कि स्टार्टिंग में काफ़ी डिफिकल्ट होगा, आपको दो दिन चार दिन लगेंगे आपको सेटलमेंट के लिए, बट एक बार आप जो है जॉब में जाएंगे, एक बार आपका स्केड्यूल बनेगा तो आप उसके यूज टू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप जॉब करेंगे, आपकी जो है इनकम स्टार्ट होगी, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। मैंने खुद इवन मैंने -28 डिग्री में भी काम किया हुआ है। स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, बट दो दिन चार दिन की बात होती है, उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे, इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से कुछ लोगों को लेटविया में जॉब नहीं मिल पाती। अब बात करते हैं कुछ मेरी सजेशंस की। तो मेरी सबसे पहली सजेशन ये रहेगी कि आप यूरो पास पे अपना CV बनाएं। सबसे पहले आपको अपना CV बनाना है, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मैकडोनल्ड्स में अपना CV दें, आप रेस्टोरेंट्स में दें, आपको जो उनसे भी ऑप्शन दिखे आप सब पे अपना CV ड्रॉप करें। होता क्या है कि अगर उनके पास उस टाइम पे हायरिंग नहीं भी होगी तो कभी कभार इमरजेंसी में वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और ऐसे भी आपको जॉब मिल सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने CV को जो है अलग अलग रेस्टोरेंट्स वगैरह में सब में अपना CV ड्रॉप करें। एंड इसके बाद आता है कि आप अपने फ्रेंड वगैरह पे किसी पे डिपेंड ना रहे। मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्टली मेजोरिटी यही करती है कि अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड रहते हैं, कि जैसे कुछ ऐसे करते हैं कि उन्होंने उनके फ्रेंड ने बता दिया कि मैकडोनल्ड्स में भी हायरिंग नहीं ले रहे, बिकॉज उनको जो है सिर्फ लेटवियंस चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग अभी उनको चाहिए नहीं। तो ऐसे में मैं आपको यही कहूँगा कि खुद वहाँ जाके आप देखें कि उन्हें वो वैकेंसी है या नहीं है। ऐसे फ्रेंड के कहने पे आप ना जाएं, खुद से ट्राई करें। आप जहाँ भी जाएं खुद से ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, मेरी अगली सजेशन ये रहेगी कि आप सिर्फ सिटी सेंटर पे डिपेंड ना रहे जॉब के लिए, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो सिटी सेंटर में मैकडोनल्ड है आपका, मरकला इलाके पे या ओल्ड टाउन पे जो मैकडोनल्ड है, वहाँ पे हमेशा जो है वेटिंग लिस्ट भी काफ़ी लंबी रहती है।
तो मेरी सजेशन ये रहेगी उससे बेटर है आप थोड़ा सिटी सेंटर से दूर ट्राई करें। आप इमानता ट्राई कर सकते हैं, आप युगला ट्राई कर सकते हैं, आप ब्रिवीवा जिला ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप वहाँ के रेस्टोरेंट्स पे ट्राई कर सकते हैं तो वहाँ आपके चांसेस जॉब मिलने के थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू सिटी सेंटर के। और लास्टली आप कुछ कंपनीज के अंदर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर आती है फूड डिलीवरी की कंपनीज, आपकी ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी, एंड उसके बाद जो लास्ट में आती है आपकी गेमिंग कंपनीज। इनमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि क्या क्या उनके अंदर आपके पास जॉब के ऑप्शन हैं, क्या पे स्केल है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई बटन में मैंने उसका लिंक डाल दिया, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट बात यही है कि जॉब के ऑप्शंस तो काफ़ी है लेटविया के अंदर। मेन चीज़ आती है कि आपको ट्राई करना है, आपको अप्लाई करना है। आप अगर अप्लाई नहीं करेंगे, आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको रेगुलर ट्राई करते रहना है। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपके कोई भी फ्रेंड जो है लेटविया में आए तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो से हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।